मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई 15 सदस्य टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वह चल रहे टूर्नामेंट में भारत के अटैक का एक अहम हिस्सा बनकर सामने आए हैं। शमी के कोच मोहम्मद बदरुद्दीन के अनुसार पहले चुने गए 15 खिलाड़ियों में नाम न होने के बाद तेज गेंदबाज गुस्से में थे। बदरुद्दीन ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया, उन्होंने खुद को एक्सप्रेस नहीं करने का विकल्प चुना और इसके बजाय वह NCA या अपने खेत में खेलते और मेहनत करते रहे। पिछले साल T20 विश्व कप में औसत प्रदर्शन देने के बाद शमी ने IPL 2022 में गुजरात टाइटंस के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपनी टीम के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इसके बावजूद इस गेंदबाज को एशिया कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली। उस टूर्नामेंट में भारत के बॉलिंग यूनिट के खराब प्रदर्शन के बाद शमी को T20 विश्व कप के लिए चुने जाने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें इस इवेंट के लिए एक रिजर्व खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। लेकिन जसप्रीत बुमराह के बाहर होते ही उन्हें टीम में मौका मिला। बदरुद्दीन ने 32 वर्षीय गेंदबाज की तारीफ करते हुए कहा, उन्हें बहुत उम्मीद थी कि उनका चयन किया जाएगा क्योंकि T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में था, वे पिछे उनकी गेंदबाजी के लिए अनुकूल है। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो वह नाराज हो गए, लेकिन कभी नहीं दिखाया। वह खेलते रहे, चाहे NCA में रहे या अपने खेत में पिच पर मेहनत करते रहे। मैं उसे कहा करता था कि मेरा दिल कहता है कि वह विश्व कप खेलेगा, वह शर्माता और चुप रहता था। देखो अब वह खेल रहा है।